9 न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति, लेकर आई हूँ आज ये हमारा खास प्रोग्राम सेलेब्स लाइफस्टाइल। लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम में आज हम आप सबके बीच बात करने वाले हैं बॉलीवुड नहीं बल्कि राजनीति की दुनिया के सबसे बड़े चेहरों में से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय सपा के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के बारे में, अपनी बेटी बेटों को लेकर बहुत प्राउड पेरेंट्स महसूस करते हैं खुद को डिंपल और अखिलेश। निजी जीवन उनकी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आज हम उनकी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो आज के हमारे खास प्रोग्राम में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति अखिलेश और डिंपल के आलीशान बंगले, उनके महल जैसे घर से आपको रूबरू कराना चाहूंगी। जी हाँ, सपा का जब राज चल रहा था उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार से पहले, तो कितनी लग्जरियस लाइफस्टाइल अखिलेश यादव और डिंपल यादव की चर्चा में आई थी और आज भी ये चर्चा में फिर है। जानिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस वक्त हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव और डिंपल यादव के घर के बारे में। तो उनके घर के बारे में बात आपको बताना चाहेंगे कुछ ऐसी जो शायद आप सबको मालूम ना हो। चलिए आपको बता दें कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई सालों तक सपा का राज रहा है। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ जो है राजनीति में सालों से सक्रिय है। साल 2017 में और इससे पहले साल 2012 में काफ़ी सक्रिय डिंपल यादव थी लोकसभा चुनाव के दौरान भी। तो ऐसे में यहाँ पर आज कुछ बातें ऐसी भी आपको बताना चाहेंगे हम, उनके घर की ये तस्वीरें दिखाते हुए, उनके घर की नज़ारे दिखाते हुए, जो ज़रूर आप इससे पहले ना जानते हो। घर पर अपने बेटे बेटियों के पढ़ाई और उनके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट को लेकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने हमेशा जो है अपनी बातें रखी है। घर के बारे में कई बातें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते हैं। उनका घर जॉइंट फैमिली हमेशा नज़र आया है। जॉइंट फैमिली यानी कि मुलायम सिंह यादव के बाकी बेटे बहू सब साथ में हर तीज त्यौहार में नज़र आए हैं। घर की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव का आशियाना है जहां अखिलेश यादव परिवार के साथ रह रहे हैं। विक्रमादित्य मार्ग जो है लखनऊ में, वहां उनका आशियाना है। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे अखिलेश यादव के बारे में, उनके घर के बारे में जो है, सो अखिलेश यादव का एक घर है जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। खैर, शानदार उनका बंगलो दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का शानदार बंगलो काफ़ी स्पेसियस बनाया जाता है, बड़े सेलिब्रिटी के घर से कम नहीं है। बंगले की चाबियों को राज्य संपत्ति विभाग के सुपुर्द कर दिया गया एक बार, जिसके बाद बंगले की मीडिया के लिए खोला गया था नज़ारा दिखाने के लिए। अंदर का दृश्य इतना शानदार था, लोग देखते ही रह गए थे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सीएम अखिलेश यादव जब थे, अपने पदभार को संभालते हुए, यूपी में सरकार संभालते हुए, तब बड़े अरमानों से इस घर को उन्होंने तैयार कराया था। वातानुकूलित घर में चमचमाती मार्बल टाइल्स, सफ़ेद और ब्राउन कलर की दरवाजे, खिड़कियां, बाथरूम तक इसकी गवाही हैं। आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य संपत्ति विभाग ने बंगला खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया था। इस पर अमल करते हुए अखिलेश ने पूरा घर खाली करा दिया था। वीआईपी गेस्ट हाउस में फिर जाकर वो शिफ्ट हुए थे। खैर, सामान वो ले जाते नजर आए थे। बिल्कुल आशियाना इतना सुंदर, कुछ हिस्से को तोड़ा गया। मंदिर लेकिन सही सलामत है, बहुत खूबसूरत। इस घर की बात करेंगे हम जहाँ अखिलेश अपनी पत्नी परिवार के साथ राज कर चुके हैं। हरियाली आंगन में और पेड़ पौधों से सजा पूरा आंगन, साइकिल ट्रैक भी जहां बना हुआ था जिसे तहस नहस किया गया, खेल कूद और व्यायाम के लिए अलग से एरिया विकसित किया गया था। अखिलेश यादव की तरफ से बैडमिंटन, आपको बता दें बैडमिंटन कोर्ट से लेकर जिम के सामान हुआ करते थे। यहां लोग देखकर हैरान थे, इतना बड़ा महल जैसे कि राजशाही ठाट बाट हो, और इतना सुंदर घर सच में देखने के लायक था। आप देख सकते हैं वाकई में सब हैरान रह गए थे। 1.5 वर्ष पहले जब इस घर में वो शिफ्ट हुए थे तो फिर लोग चौंक गए थे। उनके बच्चे टीना और अर्जुन के स्टडी रूम को उन्होंने बहुत खूबसूरत सजाया था। लाइफ इज़ टू शॉर्ट इस पर लिखा हुआ था। 2016 में 7 अक्टूबर को नए घर में प्रवेश अखिलेश यादव ने किया था। बड़ा सा ये घर, लोग देखते ही रह गए थे। व्हाइट हाउस की तरह चमचमाता ये घर, अमेरिका के आशियानों में से एक माना जा सकता है, उस तरह से सजाया गया था।
क्यों सब ब्लैक हाउस में रहते थे सोच रह गए थे सब लोग। ये आपको बताना चाहेंगे, सरकारी बंगले में बड़ा सुंदर मंदिर था और ऐसे में उन्होंने कहा कि मंदिर दिखाया जाए, तो तस्वीरें आप सबको बता दें कि वैसे आपको ये शायद मालूम ना हो लेकिन उनके घर की चर्चा बहुत खास है। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। तस्वीरें ज़रा देखिए, परिवार के साथ उनके घर पर लगता है अखिलेश यादव को अपना घर जो है सफ़ेद रंग से सजाना पसंद है। बेटे बेटियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपने घर में इतने बड़े आशियाने में किस तरह से ठाट बाट दिखाते हैं अखिलेश यादव, आप देख सकते हैं। अंदर की सजावट, इंटीरियर और ऊपर का डेकोरेशन, मीटिंग हॉल से लेकर बैठक रूम तक, और यहाँ पर डिंपल यादव के साथ अपना कार्यभार संभालना, उनको ऑफिस से लेकर गेस्ट रूम तक सब कुछ कितना लग्जरियस, कितना लैविश है। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के पास भी इतने बड़े लग्जरियस घर नहीं थे। वैसे आपको बताना चाहेंगे, इस खास रिपोर्ट में यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि कई लोगों को नहीं मालूम है। वैसे तो अगर घर के उनके नेटवर्थ की बात की जाए तो अखिलेश यादव का घर जो है कई जगह पर है, और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनके घर हैं ये बताए जाते हैं। अब दिल्ली वाले घर की बात करें तो चलिए आपको बता दें, दिल्ली वाले घर के बारे में तो हमने आपको जानकारी दिया ही है, लेकिन अब यहाँ पर हम आपको कुछ बातें और भी बताना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के घर के बारे में कई और जानकारी है जो हम आपको देना चाहेंगे। अखिलेश यादव जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की सिडनी में और यहाँ आकर वो रहने लगे, टिम्पल यादव के साथ अपने खूबसूरत घर में वो रह रहे हैं। इनके पास अपनी संपत्ति की बात की जाए तो वो भी काफ़ी बड़ी है, घर को करोड़ों में उन्होंने खरीदा है, और उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी आप जानना चाहेंगे। जानने से पहले आपको उनके नेटवर्थ से ज़रूर रूबरू कराना चाहेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव के नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो करोड़ों की संपत्ति के वो मालिक है। उत्तर प्रदेश के 20वें वो जो है सो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और एसेट्स उनकी टोटल 37 करोड़ रुपए बताए जाते हैं, और घर की पूरी जायदाद मिलाकर इनके 37 करोड़ रुपए, लेकिन 15,96,00,000 रुपए बताई गई थी पहले मुलायम सिंह यादव की संपत्ति साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान। और उसके बाद कार की बात की जाए तो टोयोटा कार एफिडेविट में उन्होंने 1,96,00,000 के गहने भी बताए थे। तो ये जो ज़िंदगी है पूरे परिवार की एक साथ बहुत आलीशान है। इसके साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव की कुल संपत्ति 8.84 करोड़ साल 2012 में थी इससे पहले, और इसके बाद उनके पत्नी की बात की जाए तो 28 करोड़ रुपए कुल संपत्ति उनकी पत्नी के बताई जाती है, और पजेरो कार भी निम्पल यादव के पास है। तो ज़िंदगी इनकी बहुत लैविश है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, घर के बारे में कई लोग जानते हैं, हाथ माथा पीटने लग जाते हैं लोग इनकी संपत्ति के बारे में जानकर जो कि रियासत से इन्हें मिलती आई है। तो अपनी आंखों से देखा आपने अखिलेश और डिंपल के लग्जरियस घर के नजारे। घर से अगर देखा जाए तो करोड़ों के घर में रहने वाले अखिलेश और डिंपल का महल जो है मुंबई के किसी फार्म हाउस से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? क्या वाकई में करोड़ों का ये घर फार्म हाउस से कम है? जरूर बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।